विधायकों की सेल्फी पर विधानसभा अध्यक्ष ने ब्रेक लगा दिया है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। विधान मंडप में विधायकों के लगातार फोटो सेशन से परेशान विधानसभा अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है। ये बड़ी बात है, सेल्फी और फोटो सेशन करने पर विधायकों का फोन कर लिया जाएगा जब्त। ये रूल बनाने पड़े हैं क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ सेल्फी ली जा रही है, फोटो खींची जा रही है, इसी में वक्त जाया ना हो जाए इसके लिए कदम उठाया गया। विधानमंडल मीडिया गैलरी के कैमरे पर भी रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध है। मीडिया गैलरी में भी कवरेज पर प्रतिबंध लग चुका है। हेड मार्शल को फोन जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजेंद्र, ये दिलचस्प और बड़ा फैसला है ये। बिल्कुल शैलेश अरोड़ा और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, इस फैसले के पीछे के जो कारण हैं, घटनाएं हैं, वो भी बताएं। देखिए, बड़ी संख्या में ये देखा गया कि बहुत सारे विधायक जो है वो मंडप पे पहुंच जाते हैं, वहां पर सेल्फी लेने लगते हैं, फोटो सेशन लेने लगते हैं। इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं भी होती हैं और यही वजह है कि अब फैसला लेना पड़ा विधानसभा अध्यक्ष को कि वहां पर सेल्फी ना दी जाए। इसी को देखते हुए कि जो सदन की कार्यवाही है उसमें किसी तरह की अड़चन ना हो, उसमें किसी तरह की बाधा ना हो और किसी का ध्यान जो है वो सदन की कार्यवाही से इधर कहीं ना जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया गया है कि अब वहां पर विधायक जो है वो फोटो सेशन नहीं करेंगे। और इसके अलावा साथ ही जो विधान मंडप और मीडिया गैलरी का पोर्शन है वहां पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया इसे लेकर। तो ये निर्देश दिए गए हेड मार्शल जो है उन्होंने, उनको ये भी कहा गया कि अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करता तो उनके फोन को भी जब्त कर लिया जाए। तो देखिए, सारे निर्देश है, मुख्य जो उद्देश्य है वो यही कि सदन की कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न हो। मीडिया गैलरी में भी, मीडिया गैलरी में भी सेल्फी और फोटोग्राफ के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से वहां पर भी इसी तरह के प्रतिबंध है कि वहां पर भी अब इस तरह से सेल्फी या इसके नहीं दी जाएंगी। और देखिए, वहां पर निर्धारित है जगह है कि कहां से कैसे कवरेज होगा, कहां पर लोग आकर बात करेंगे मीडिया से। तो इन चीजों को देखते हुए जो व्यवस्था एक बनी हुई है उसी के अनुसार अब आगे से काम होगा। और देखिए, इसे लेकर कुछ और स्पष्ट निर्देश जो है कुछ देर में जारी भी हो जाएंगे कि किस तरह से आगे काम होगा वहां पर। लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई विधायक अब सेल्फी नहीं लेगा, कोई भी विधायक जो है वहां पर फोटो सेशन नहीं करेगा। सदन की कार्रवाई में किसी तरह से अगर बाधा डालने की कोई कोशिश करेगा तो उसका फोन भी वहां पर जब्त कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश। और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर जुम्मे की नमाज आज है और जुम्मे की नमाज में बड़ी संख्या में मुस्लिमों को बुलाया गया है। एक पोस्टर वायरल हुआ था, बुलावा भेजने का एक पोस्टर जो वायरल है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि दोपहर 1 बजे नमाजियों को बुलाया गया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमाजी आए, नमाज पढ़े, ये बात कहती एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। एक पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है लखनऊ में, इसीलिए चहलकदमी बड़ी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्थाओं वाली तस्वीर हमारे पास आई है जो हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि एक वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले पर जुमे की नमाज पर शांति रहे इसे मद्देनजर ये सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि मौलाना ने लक्ष्मण टीला को टीले वाली मस्जिद नाम दिया। महासभा का आरोप है कि टीले वाली मस्जिद की आड़ में अवैध बस स्टैंड और एलडीए के पार्क को कब्जा करके वहां शादी घर चलाकर लाखों रुपए महीना मौलाना कमा रहे हैं। ज्ञानवापी के बाद टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं जो ये कह रहे हैं, जो दावा ये कर रहे हैं कि वो लक्ष्मण का टीला था। क्या विवाद है भाई? ये असल में दरअसल भगवान श्री राम हमारे आराध्य, उनके भाई के नाम से नगरी थी लक्ष्मणपुरी, उन्हीं के नाम से लक्ष्मण टीला था जिसको षड्यंत्र के तहत जनबल की ताकत पे कब्जा करके उसको परिवर्तित करके टीले वाली मस्जिद का रूप दे दिया गया। उसी को लेकर के अदालती तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन और शेखर निगम जी की अगुवाई में ये लड़ाई हम लोग वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कोर्ट में भी मामला चला गया? कोर्ट में मामला 2013 से चल रहा है लगातार। दो याचिकाएं हैं, एक याचिका में हमारा मालकाना अधिकार मांगा गया है, एक में पूजा का अधिकार मांगा गया है। दोनों अलग अलग याचिका है। तो जो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई मामला? आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुनवाई है। हाँ। आज ये देखते क्या होता है। ये बताइए, कोर्ट में आपका मामला है, आपका पक्ष कितना मजबूत? हमारा पक्ष एकदम मजबूत है। जैसे राम जन्मभूमि जीती उसी प्रकार से हम लोग इसको लेंगे। इसी के साथ हमारे और तमाम जो मुकदमे हैं जो काशी पे चल रहा है ज्ञानवापी पे, उसके हम लोग पक्षकार हैं। मथुरा में 1 तारीख को सुनवाई, 1 जुलाई को वहाँ हम लोग जीतेंगे। तो तमाम ऐसे जो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, मेवात है, ये तमाम मुकदमे जो अब खुलना शुरू, क्योंकि कोरोना काल रहा, 2 साल से कोर्टें बंद थी,
तो उनकी वजह से ये ठप पड़े थे, अब ये जीवित हुए। अब विपक्ष चिल्ला रहा है कि चुनाव का वक्त है, चुनाव से हमारा कोई लेना नहीं, हमारा हिंदू महासभा का लेना संघ और भाजपा से कोई नहीं है, हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई के लिए आगे लड़ रहे हैं। तो जुमे की नमाज की तैयारी चल रही होगी, क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है, ये हम डिटेल में समझेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से, वो मौजूद हैं लखनऊ में और वो अब हमें जानकारी देंगे। जी वीरेश, देखिए श्रीलता, केवल 27 मिनट बचे हैं जो नमाज अदा करनी है 1 बजे में, और जो पुलिस की तैनाती है लखनऊ कमिश्नरेट में हलचल मच गई है और पीएससी की भारी तादाद यहां पर बुलाई गई है, और यूपी पुलिस के जो जवान हैं, लखनऊ कमिश्नरेट के जो जवान हैं, वो बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं, जो पीएससी के जवान हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे, ये सारे पीएससी के लोग हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुला ली गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की गाड़ी खड़ी है टीले वाली मस्जिद पर, और पीएससी के जो ट्रक हैं वो किस रूप में चारों तरफ से टीले वाली मस्जिद को घेर लिए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा टेलीविजन स्क्रीन पर। हलचल बढ़ गई है टीले वाली मस्जिद में, 1 बजे नमाज अदा करनी है, और हिंदू महासभा ने जिस तरीके से यहां पर आज कोर्ट में सुनवाई भी है, और इस पूरे मामले को लेकर मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि पिछले रविवार को ही यहां तनाव हो जाता, एक हिंदू महासभा की रविवार को प्रस्तावित लक्ष्मण टीला मुक्त यात्रा पर प्रशासन ने पिछले संडे को रोक लगा दिया था। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर राजेंद्र जरूर दिखाना चाहूंगा कि कुर्सी लगाकर आसपास बैठे हुए सुरक्षा कर्मी और उनके अधिकारियों को भी देखें, यहां पर इंस्पेक्टर को भी देखें, पीएससी के जवानों को भी देखें, साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी देखें, और इससे पुराने लखनऊ में जिस तरीके का माहौल है टेलीविजन स्क्रीन पर यह बयां हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पीएससी के तमाम जो ट्रक यहां मौजूद हैं, यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां मौजूद हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि टीले वाली मस्जिद में नमाज के लिए भारी संख्या में नमाजियों को आमंत्रित किया गया है जो यहाँ के मौलाना हैं उनकी तरफ से, और पिछले रविवार को लक्ष्मण टीला मुक्ति जो यात्रा थी उसे स्थगित कर दिया गया था तनाव की वजह से ही, आज कोर्ट में सुनवाई भी है इस पूरे मामले को लेकर। जी जी जी। और ये विवाद कैसे है और क्यों है मैं जरूर दिखाऊंगा, और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए टीले वाली मस्जिद और इसे समझने की कोशिश कीजिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में ईदगाह पर अदालतों में चल रही सुनवाई के बीच लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर नया विवाद शुरू हो गया है। राजेंद्र, हिंदू महासभा ने इस मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताते हुए इसके सामने प्रतिमा लगाने यानी लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाने की मांग कर दी है। हिंदू महासभा की रविवार को प्रस्तावित लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा पर प्रशासन ने हालांकि रोक लगा दिया था। पुलिस ने हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी को सुबह ही सीतापुर के बिसवा से हिरासत में संडे को ले लिया था ताकि कोई टकराव ना हो सके। टीले वाली मस्जिद के इमाम ने कहा था कि हिंदू महासभा के मार्च को रोका नहीं गया तो टकराव काफी बढ़ जाएगा, और इसी टकराव को रोकने के लिए पुलिस की भारी सुरक्षा यहां कर दी गई है। जो विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र, वो भी चल रहा है, पूरे प्रदेश के विधायक और सारे मंत्री लखनऊ में मौजूद हैं, इसलिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरे लखनऊ को हाई अलर्ट पर रखा गया है, और आज 1 बजे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। धीरे धीरे नमाजियों का टीले वाली मस्जिद पर आना शुरू हो गया है। अपने कैमरे की नजर से जरूर दिखाऊंगा कि वो टीले वाली मस्जिद में नमाजी एक एक करके अंदर जा रहे हैं बड़ी तादाद में। यहां के मौलाना ने, टीले वाली मस्जिद के मौलाना ने जो उनसे आह्वान किया है कि 1 बजे बड़ी तादाद में नमाजी टीले वाली मस्जिद पर पहुंचे, इस टकराव को टालने के लिए लखनऊ प्रशासन ने, लखनऊ कमिश्नरेट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, कहीं कोई तनाव न हो, इसके मद्देनजर पुलिस के लोग यहां बुलाए गए हैं। और इसके अगर हम जो पृष्ठभूमि में जाएं तो वो पृष्ठभूमि ज्ञानवापी से बहुत कुछ मिलता जुलता है, और पुलिस प्रशासन ने जो टीले वाली मस्जिद पर मुस्तैदी दिखा रखी है ये उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का दावा है कि टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीले की जगह पर बनाया गया है, जिसके कई उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं। लखनऊ के पूर्व सांसद स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी पुस्तक अनकहा लखनऊ में लक्ष्मण टीला का जिक्र किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि लखनऊ के पौराणिक इतिहास को नजरअंदाज कर नवाबी कल्चर को प्रदर्शित करने वाले लक्ष्मण टीला के अस्तित्व को मिटाने का काम किया गया था। यही नहीं बल्कि लक्ष्मण टीले पर शेष गुफा थी,
जहां पर बड़ा मेला लगता था खिलजी के वक्त यह गुफा। जी हां, खिलजी शासन काल में यह गुफा ध्वस्त कर दी गई थी, बार बार इसे ध्वस्त किया जाता रहा, जिसके चलते यह जगह टीले में तब्दील हो गई। बाद में औरंगजेब ने यहां एक मस्जिद बनवा दी। एक हर दौर में इसका नाम लक्ष्मण टीला बना रहा, लेकिन पिछली सपा सरकार में लक्ष्मण टीला का नाम पूरी तरह मिटाकर इसे टीले वाली मस्जिद कर दिया गया। यानी सपा भाजपा यहाँ पर राजनीति पूरी तरीके से अपने चरम पर है। नमाजी धीरे धीरे कर टीले वाली मस्जिद में एक एक करके जा रहे हैं। मैं टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि नमाजी नमाज अदा करने टीले वाले मस्जिद में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि एक बजे का वक्त नजदीक आ रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर नमाजियों के अंदर जाने का जो दृश्य आप देख रहे हैं वो मौलाना के आह्वान के कारण है। मौलाना ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि एक बजे टीले वाली मस्जिद चलो, जी हाँ, इसके पोस्टर भी लगवाए गए हैं। किसने लगवाया इसका कोई जिक्र नहीं है। टीले वाले मस्जिद के मौलाना ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि हमने इसे नहीं लगवाया है। टीले वाली मस्जिद के आसपास को जो पोस्टर लगे हैं उसमें एक बजे नमाज अदा करने का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए जो कहा गया है कि आप आइए, अगर मुमकिन हो, अगर मेरे संभव हो, और तो आप इन नमाजियों से पूछे कि क्या कोई ऐसी अपील आप तक पहुंची है या किसी अपील की वजह से आज आप यहां पर नमाज पढ़ने आए हैं या ये आपके रूटीन का हिस्सा है, आप आते रहे हैं, अगर संभव हो वीरेश। जी जरूर 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 जी जी, संभव तो राजेंद्र प्रयास से ही होता और, है। और वीरेश जब तक आप प्रयास करते हैं, वीरेश आपके पास आते हैं, आप किसी नमाजी से बात करिए जो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास है और बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, इसी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच इस्लामिक संगठन PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की 23 और 24 मई को एक बैठक आयोजित हुई है जिसमें मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चर्चा की गई है और PFI ने मुस्लिमों से अपील की है कि पूजा स्थल पर कार्रवाई का विरोध करें। मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की गई है, यानी एकजुट होकर के जहां भी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के कार्रवाई हो रही है उनको विरोध करने की ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमें और ज्यादा इस PFI की अपील के बारे में बताएंगे। ओपी तिवारी जी, PFI क्या कह रही है, क्यों कह रही है, बताएं। देखिए वीरेंद्र, मैं आपको बता दूं, PFI ने जो अपील की है उसमें स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसपे निराशा प्रकट की है, उसने वजू खाने को लेकर जो बात आई है उसपे निराशा प्रकट की है, और कुल मिलाकर PFI ने कहा है कि मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। राजेंद्र मैं आपको बता दूं, PFI का स्टेटमेंट अपने आप में बेहद अहम है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की निगाह PFI के ऊपर एक बार फिर लग गई है, क्योंकि आज तक PFI ने जहां जहां बयान दिए हैं उसके बाद कोई ना कोई गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या साउथ इंडिया के हो। लिहाजा केंद्रीय खुफिया एजेंसियां PFI के इस बयान के बाद ऐसे तमाम लोगों पर निगाह रख रही है जो गड़बड़ी फैला सकते हैं। राजेंद्र जी, तो ये जो बयान है PFI का कि मुसलमान एकजुट हो, इसके बाद ये निगाह रखी जा रही है, लेकिन इसके तहत क्या कोई स्पेशल आप कोई आदेश या एजेंसियों का या उनके टॉप बॉसेस का आपको मालूम हो? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऐसे मामले आज तक जब भी आए हैं PFI जिन मामलों में कूदी है उन मामले में आगे जाकर कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, ऐसा खुफिया एजेंसियों का मानना है और ऐसा उनका शक है। इसीलिए खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस मामले में PFI के कूदने के बाद जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी शुरू होगी, और यही कारण है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियां आने वाली अगली सूचनाओं के आधार पर कुछ जगहों पर अलर्ट भी जारी करें। फिलहाल केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने PFI के इस बयान के बाद उन पर निगाह रखनी एक बार फिर शुरू कर दी। अच्छा ओपी जी, इस पूरे एकजुट होने की अपील में क्या कोई इकट्ठा होना या कोई मोडस ऑपरेंडी या किस तरीके से इकट्ठा करने की बात सामने आई हो? उन्होंने इसमें कहा है कि मुसलमान इसका विरोध करें जी। और खास तौर पर जहां पर भाजपा शासित राज्य है वहां पर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर भी PFI ने अपने स्टेटमेंट में बोला, एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट PFI ने दिया है और उसमें कई तरह की उन्होंने बातें कही है। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि वहां पर इकट्ठा हुई है। अच्छा। लेकिन PFI जब भी ऐसे स्टेटमेंट देती है उसके बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर शुरू हो जाती है, ऐसा आज तक प्रयास देखा गया है। बिल्कुल ओपी, ये कहीं ना कहीं से ये पूरा मैसेज सर्कुलेट होता होगा और कॉन्सेंट्रेट होने के बाद ही उसका इम्पैक्ट दिखाई देता होगा। बिल्कुल, PFI ने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज जारी की है और ये बाकायदा उन्होंने सर्कुलेट किया है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है और इसका बाकायदा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रचार प्रसार की आड़ में कौन असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपी तिवारी जी।
ये तमाम जानकारियां बहुत विस्तार में आपने हमारे दर्शकों को दी। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है, निराशा व्यक्त की है जो कोर्ट का फैसला था सर्वे कराने का ज्ञानवापी विवाद में, और कहा है कि पूरे देश के मुसलमान एकजुट हों। और इसके बाद केंद्रीय जो खुफिया एजेंसियां हैं वो एक बार और सतर्क हो गई हैं पीएफआई को लेकर और इनके मूवमेंट्स पर निगाह रखे हुए हैं। बिल्कुल, और अभी तो हमने एक वायरल पोस्ट देखा जिसका असर क्या हो सकता है लखनऊ में हमें दिखाई दे रहा था, उसकी तस्वीरें भी दिखाई, और ऐसे में पीएफआई के इस सर्कुलर के बाद किस तरीके का इंपैक्ट होगा ये देखना होगा। तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का ही बात किया जा रहा है और ये बड़ी बात है, जबकि अजमेर राजस्थान में है वहां पे भी अब चर्चा चल रही थी लेकिन वहां पर एकजुट होने की बात नहीं कही जा रही है भाजपा शासित राज्यों में खासकर। अब हम वीरेश पांडे के पास चलेंगे जो कि टीले वाली मस्जिद पर ही मौजूद हैं, वहां पर जो नमाजी इकट्ठा हो रहे हैं आज बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के लिए, उनसे बातचीत करने का प्रयास वीरेश का था और उन्होंने दिखाया अभी की सिक्योरिटी कैसी है। वीरेश, अभी हम ओपी तिवारी की रिपोर्ट देख रहे थे और वो बता रहे थे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एकजुट होने की अपील है, क्या आपके पास जानकारी है इस वक्त वहां पर? देखिए, मैं इस वक्त टीले वाली मस्जिद में खड़ा हूं और जो नमाज का वक्त है महज 16 मिनट रह गया है और ये जो नमाजी हैं वो बड़ी संख्या में वजू खाना में वजू कर रहे हैं। और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए टीले वाली मस्जिद के अंदर का कि अंदर की ये तस्वीर है, ये वजू खाना है। वजू खाना ये अलग तरीके का है, ज्ञानवापी से अलग, जो तालाब से अलग वजू खाना है। और ये सारे नमाजी जो नमाज करने यहाँ आए हुए हैं वजू खाना में हाथ मुँह धुलकर और जो इस्लामिक रीति रिवाज है उसके माध्यम से ये फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की अपील का भी इन पर कोई असर है वीरेश? एक बार जरूर आप पता करिए, चूंकि आप वहीं पर हैं और वो वजू कर रहे हैं नमाज के ठीक पहले जो कि मैंडेटरी होता है नमाज के पहले, और पीएफआई की अपील भी हमारे सामने आ चुकी है मुसलमानों को एकजुट करने वाली प्रेस रिलीज के जरिए। तो क्या 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 ये लोग पीएफआई की अपील के बारे में जानते हैं जिसके बारे में अभी हम दर्शकों को बता रहे थे वीरेश? मैं यहीं से पूछ लेता हूं कि भाई साहब आप अंदर आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, यही स्थिति, चलिए यहां पे कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब तैयारी करने दिए, पहले नमाज पढ़ने दिए, फिर जो पूछना नमाज के बाद पूछना। नहीं वीरेश, राजेंद्र इनका कहना है कि पहले और इस वक्त वजू करते वक्त बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि नमाज में देरी हो जाएगी। ये तस्वीर है और बड़ी तस्वीर हम लखनऊ से आपको लगातार दिखा रहे थे, टीले वाली मस्जिद से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की एक रिपोर्ट थी जहां पर वजू कर रहे हैं लोग और वहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं। एक वायरल पोस्ट के बाद कि हर एक मुस्लिम एक बजे इकट्ठा हो इस मस्जिद पर नमाज के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रायबरेली का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके 5 किलोमीटर तक उसे घसीट कर ले गई, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बताया गया है कि बाइक में पेट्रोल भराने के बाद बाइक सवार किसी से फोन पर बात करने लगा, इसी दौरान कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक कार के अगले हिस्से में फंस गई और उसे रौंदते हुए कार 5 किलोमीटर तक लेकर गई। ये हैरान करने वाला वाकया है कि 5 किलोमीटर की दूरी अच्छी खासी होती है और इस दरमियान भी गाड़ी को नहीं रोकने की कोशिश। बिल्कुल, 5 किलोमीटर बड़ा फासला होता है और ये रौंदते हुए कार इस बाइक को घसटते हुए लेकर गई 5 किलोमीटर तक। इसका वीडियो वायरल है, देखिए आप जो बाइक सवार था उसकी हालत क्या है, उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। ये रायबरेली का मामला है, खौफनाक तस्वीर, एक बार आप फिर से देखिए कार कैसे लेकर जा रही है इस बाइक को टक्कर मारने के बाद 5 किलोमीटर बताया जा रहा है 5 किलोमीटर तक लेकर गई।